टिक्नोमेट्री अंडर टिक्नोमेट्री आज के वीडियो हम लोग देखने वाले टिक्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती हैं एंड टिक्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बेस पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आइडेंटिटीज टिक्नोमेट्री आइडेंटिटीज टोटल थ्री होती हैं विच आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सेकेंड इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन एंड थर्ड वन इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अभी इन्हीं आइडेंटिटीज के बेस पे हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे हम लोग ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं। सो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लोग साइन थीटा वैल्यू 4/5 दिया एंड कॉस थीटा हम लोग क्या करना है फाइंड आउट करना है। सो वी नो डेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। सो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोग 4/5 दिए तो 4/5 स्क्वायर होगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज विच इज इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर क्या होगा 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। 16/25 यहाँ पे पॉजिटिव क्वान्टिटी, उसको एल एच एस मिलेंगे, आर एच एस मिलेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। सो 1 - 16/25 सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अभी हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम लोग को मिलेगा 25 - 16/25 सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/25। अभी यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। सो कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 9/25 सो कॉस थीटा इक्वल टू 9 का अंडर रूट 3 होता है एंड 25 का अंडर रूट 5। सो फाइनल आंसर इज कॉस थीटा इक्वल टू 3/5। एग्जाम्पल नंबर टू, If tan theta equal to 3/4, then find the value of sec theta and cos theta. So solution, यहाँ पे tan और sec में वन रिलेशन होता है इन टिक्नोमेट्री। सो वी नो डेट sec square theta माइनस tan square theta इक्वल टू 1. सो sec square theta माइनस यहाँ पे tan की वैल्यू क्या 3/4, सो 3/4 square इक्वल टू 1. सो sec square theta माइनस 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 9/16 होगा विच इज इक्वल टू 1. सो sec square theta इक्वल टू 1 प्लस 9/16 बिकॉज एल एच एस में निगेटिव था तो उसको हम लोग आर एच एस में लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं। सो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो हम लोग 16 + 9/25 मिलेगा। सो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 + 9 क्या होगा 25 एंड 16 एज इट इज। अभी हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 25/16 सो सेक थीटा इक्वल टू 5/4। सो यहाँ पे हम लोग सेक थीटा का वैल्यू मिला, सेक थीटा का के वैल्यू को यूज करेंगे हम लोग कॉस थीटा फाइंड आउट करेंगे सिंस कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec θ। सो कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec θ की वैल्यू क्या है 5/4। सो हम लोग को कॉस थीटा क्या मिलेगा 4/5। सो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होगा sec थीटा इक्वल टू 5/4 एंड कॉस थीटा इक्वल टू 4/5। इफ 5 sec θ माइनस 12 cosec θ इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा cos थीटा एंड sin थीटा। सो यहाँ पे हम लोग 5 sec θ माइनस 12 cosec θ इक्वल टू 0 दिया है, इसका यूज करके हम लोग sec थीटा cos थीटा एंड sin थीटा वैल्यू फाइंड आउट करें। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे ये जो वैल्यूज है फर्स्ट हम लोग इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ पे माइनस 12 cosec θ एल एच एस में निगेटिव क्वान्टिटी है सो उसको आर एच एस में लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 5 sec θ इक्वल टू 12 cosec θ। अभी क्या करेंगे जो आर एच एस में cosec थीटा है उसको एल एच एस में लेंगे तो वो डिवीजन हो जाएगा बिकॉज आर एच एस में मल्टीप्लीकेशन है तो एल एच एस में डिवीजन हो जाएगा। सो sec थीटा अपॉन cosec थीटा विच इज इक्वल टू 12 को आर एच एस में एज इट इज रखेंगे, एल एच एस में 5 का है मल्टीप्लाई में तो उसको आर एच एस में लेंगे तो वो डिवीजन में हो जाएगा। सो वी नो डेट sec थीटा क्या होता है 1/cos θ होता है एंड cosec थीटा क्या होता है 1/sin θ होता है। यहाँ पर हमने क्या किया है रेसिप्रोकल रिलेशन को यूज किया है सो विच इज इक्वल टू 12/5। अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग साइन अपॉन कॉस मिलेगा विच इज इक्वल टू 12/5। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है सो 10θ इक्वल टू 12/5। सो यहाँ पे हम लोग 10θ की वैल्यू मिल गई है। अभी इस 10θ की वैल्यू को यूज करके हम लोग sec थीटा निकाल सकते हैं। सो वी नो डेट sec स्क्वायर थीटा माइनस 10² θ इक्वल टू 1 होता है। सो sec स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस 10θ की वैल्यू 12/5 तो 12/5 का होल स्क्वायर यहाँ पे तो होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। सो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 12/5 का होल स्क्वायर, वाई बिकॉज यहाँ पे एल एच एस में निगेटिव था तो आर एच एस में लेंगे तो उसका पॉजिटिव हो जाएगा। सो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस
12 का स्क्वायर 144 होता है एंड 5 का स्क्वायर 25 होता है। सो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो वो क्या होगा 169/25। सो यहाँ पे हम लोग क्या मिला स्क्वायर के फॉर्म में, अभी हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, सो sec थीटा इक्वल टू अंडर रूट 169/25। सो sec थीटा इक्वल टू 13/5। सो यहाँ पे हम लोग sec थीटा की वैल्यू मिल गई। sec का यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, cos निकाल सकते हैं, बिकॉज cos एंड sec आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, सिंस cos theta इक्वल टू 1/sec theta, therefore cos theta इक्वल टू 1/13/5, बिकॉज sec इक्वल टू 13/5, सो cos theta इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा 5/13। अभी यहाँ पे हम लोग cos theta मिल गया, तो हम लोग को sin theta फाइंड आउट करना रिमेनिंग। वी नो दैट sin स्क्वायर theta प्लस cos स्क्वायर theta इक्वल टू 1 होता है, सो sin स्क्वायर theta प्लस cos स्क्वायर theta इक्वल टू जस्ट हमने फाइंड आउट किया 5/13, तो 5/13 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, सो sin स्क्वायर theta इक्वल टू 1-5/13 होल स्क्वायर, सो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1-5 का स्क्वायर 25 होता है एंड 13 का स्क्वायर 169 होता है। सो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू पॉजिटिव निगेटिव होता है, तो हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग को 169-25/169 मिलेगा। सो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 169-25 का होता है 144 होता है एंड 169 डिनोमिनेटर का एज इट इज कॉपी करेंगे, सो sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट 144/169, सो sin थीटा इक्वल टू 12/13। सो यहाँ पे हमने सारी वैल्यू फाइंड आउट की है, सो फाइनल आंसर इज sec थीटा इक्वल टू 13/5, cos थीटा इक्वल टू 5/13 एंड sin थीटा इक्वल टू 12/5। एग्जांपल नंबर 4, इफ tan थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta। सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट करते, फर्स्ट हम लोग 1/1 सारी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, मीन्स वॉट sin theta, cos theta, sec theta एंड cosec theta की, आफ्टर दैट सारी वैल्यूज को क्या करेंगे हम लोग इस वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सॉल्यूशन, सो वी नो दैट sec square theta minus tan square theta equal to 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग को tan का वैल्यू दिया हुआ है, तो sec square theta minus 1 square which is equal to 1, सो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1+1, बिकॉज LHS में 1 का स्क्वायर 1 होता है एंड LHS में निगेटिव उसको हम लोग RHS मिलेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। सो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1+1 2 होता है। अभी हम लोग क्या करेंगे बोथ द साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो sec थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2, तो यहाँ पे हम लोग sec का वैल्यू मिल गया। अभी sec और cos में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं, सो सिंस cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, सो देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू 1/sec का वैल्यू क्या है रूट 2, तो यहाँ पे हम लोग कॉस का वैल्यू मिल गया 1/√2। अभी कॉस का यूज करके आइडेंटिटीज के फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो यहाँ पे हम लोग को कॉस का वैल्यू दिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/√2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2, बिकॉज रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और रूट कैंसिल हो जाते हैं, सो विच इज इक्वल टू 1, सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1-1/2, सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, बिकॉज 1 से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ मिलेगा, सो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। यहाँ मैंने क्या किया बोथ द साइड स्क्वायर रूट किया, सो यहाँ पे हम लोग को साइन का वैल्यू मिल गया। अभी साइन का वैल्यू मिल गया तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, सो देयरफॉर कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा वैल्यू क्या 1/√2, सो देयरफॉर कोसेक थीटा इक्वल टू 2/√2। सो यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यूज मिल गई है, अभी ये चारों वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो सिंस sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा फाइंड आउट करना है, सो 1/1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे sin का वैल्यू 1/√2 आया है प्लस cos का वैल्यू भी 1/√2 आया है एंड sec का वैल्यू यहाँ पे रूट 2 एंड cosec का वैल्यू रूट 2। सो इन न्यूमरेटर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो 1+1 ऐड हो जाएगा एंड रूट 2 एज इट इज डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस रूट 2 को ऐड करोगे तो वो 2√2 हो जाए, सो 1+1/√2 डिवाइडेड बाय 2√2, सो 1+1 2 होगा, 2/√2 डिवीजन का साइन, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई का करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, सो 1/√2।
सो यहाँ पे क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाए, बिकॉज एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अगर प्लस यस माइनस होता तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बट इन मल्टीप्लीकेशन हम लोग क्या करते रहते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो कैंसिल होने वाले टर्म्स रहते हैं उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो हम लोग को मिला 1/√2 × 1/√2, सो 1 × 1 होता है एंड √2 √2 होता है। सो देयरफॉर हम लोग फाइनल आंसर मिला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 1/2। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको समझा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।